नमस्कार दोस्तों, मैं एस्ट्रोलॉजर मोनिका अग्रवाल अपने YouTube चैनल एस्ट्रोलॉजी विजन एंड रेमेडीज़ में आपका स्वागत करती हूँ। देखिए, आज का जो मेरा टॉपिक है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि हर माँ बाप ये चाहते हैं कि उनके बच्चे लाइफ में हमेशा ऊँचे रहें, हमेशा नंबर वन रहें और उन्हें कोई भी मुसीबत, कोई भी परेशानी का सामना नहीं करना पड़े, वो हमेशा हेल्दी वेल्दी और खुश रहें। तो जो मेरा आज का टॉपिक है वो ये है कि गर्भावस्था में माँ ऐसे क्या काम करे जिससे कि उसके बच्चे को कभी किसी मुसीबत का, कभी किसी स्ट्रेस का सामना नहीं करना पड़े, और जो आजकल हर माँ बाप चाहते हैं कि उसका बच्चा नंबर वन रहे तो वो लाइफ में हमेशा नंबर वन रहे। तो मैं अपने इस टॉपिक को आगे बढ़ाने से पहले आपको एक छोटी सी स्टोरी सुनाना चाहती हूँ। तो मैं आपको एक स्टोरी सुनाती हूँ। अर्जुन के पुत्र थे अभिमन्यु और उनकी माँ थी उत्तरा। तो जब अभिमन्यु अपनी माँ उत्तरा के गर्भ में थे तो एक दिन रात को उत्तरा को नींद नहीं आ रही थी। तो अर्जुन ने कहा कि आज मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ कि चक्रव्यूह की रचना कैसे करते हैं और चक्रव्यूह में दुश्मनों से अंदर कैसे लड़ते हैं और लड़ने के बाद उनसे बाहर कैसे निकलते हैं। तो जब वो ये कहानी सुना रहे थे, उन्होंने ये सब तो सुनाया कि चक्रव्यूह की रचना कैसे करते हैं, चक्रव्यूह में अंदर दुश्मनों से लड़ते कैसे हैं, चक्रव्यूह में प्रवेश कैसे करते हैं, लेकिन जैसे ही वो उत्तरा को ये बताने लगे कि चक्रव्यूह से बाहर कैसे निकलते हैं, वैसे ही उत्तरा की आँख लग गई। तो जैसे ही उत्तरा की आँख लगी, वैसे ही अभिमन्यु का इस बाहरी दुनिया से कनेक्शन कट गया और अब उत्तरा के गर्भ में पल रहे अभिमन्यु ये सारी चक्रव्यूह की रचना सुन रहे थे। तो देखिए, अभिमन्यु ने युद्ध करना तो माँ के गर्भ से सीखा, लेकिन अगर उनकी माँ सोई नहीं होती और वो ये भी सुन लेती कि चक्रव्यूह से बाहर कैसे निकलते हैं, तो शायद अभिमन्यु को मृत्यु का सामना नहीं करना पड़ता। तो देखिए, जो माँ करती है, जो माँ देखती है, सुनती है, खाती है, जो उसके चारों तरफ का एटमॉस्फेयर है, उसका 100% असर बच्चे पर पड़ता है। तो इसलिए मेरा ये बताने का, आज का मेरे टॉपिक का ये मतलब है कि माँ जो भी काम अपने गर्भावस्था के दौरान करती है, वो अच्छा करती है या ख़राब करती है, वो उसके बच्चे पर उसका अच्छा और बुरा असर पड़ता है। वो हर ग्रह को अपने हिसाब से अच्छा करती है और हर ग्रह को अपने बच्चे के लिए ख़राब करती है। तो जो मेरा आज का टॉपिक है, और ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है कि अगर कोई मेरे पास हॉरोस्कोप आती है, किसी बच्चे की आती है स्पेशली, और मैं ये पूछती हूँ कि क्या आपने इस ग्रह के चीज़ों के साथ गलत व्यवहार करा है, तो वो मुझको डिटो करते हैं। तो इसीलिए मैं आपको हर ग्रह के बारे में बताऊंगी कि माँ किसके साथ कैसा व्यवहार करे जिससे उसके बच्चे की लाइफ में हर ग्रह बहुत पॉजिटिव रहे। जैसे सूर्य, देखिए, अगर आप अपने पिता या पिता समान किसी व्यक्ति का अपमान करते हैं, किसी गवर्नमेंट ऑफिसर के अलावा जितने भी सरकार में काम करने वाले लोग हैं, चाहे वो छोटे हों या बड़े हों, उनका अपमान करते हैं, घर के खिड़की दरवाजे खराब रखते हैं, उनको उनमें सूर्य की रोशनी नहीं आने देते हैं और अपने घर में किसी का मान सम्मान नहीं करते हैं, तो सूर्य जो कि आपकी आत्मा का, आपकी इम्यूनिटी का, हेल्थ का, जितने भी बड़े एग्ज़ाम हैं IAS PCS के जो बड़े एग्ज़ाम्स होते हैं उनका, आपके मान प्रतिष्ठा का, क्योंकि हर आदमी को नेम एंड फेम चाहिए उसका, गवर्नमेंट से कोई भी काम कराना है तो उसके लिए सूर्य चाहिए, और जितने राजयोग आपकी पत्री में बनते हैं वो सूर्य से ही बनते हैं। तो अगर आपने इन चीज़ों को ख़राब कर लिया तो आपके बच्चे की पत्री में ये सारी चीज़ें उसको नेगेटिव मिलेंगी। अब दूसरा प्लेनेट है चंद्र। तो देखिए, अगर आप माँ या माँ समान किसी महिला का अपमान करते हैं, अपने घर में पानी की वेस्टेज करते हैं, खाना वेस्ट करते हैं, आप इमोशनली अनस्टेबल रहते हैं, घर में या मन में शांति नहीं रखते हैं, तो चंद्र जो कि कैश एंड लिक्विडिटी का, आपके बच्चे की प्राइमर एजुकेशन का, उसकी माँ का, और जितने भी अप्स एंड डाउन्स हैं वो चंद्र से आते हैं, तो इन सब चीज़ों की कमी आपके बच्चे की लाइफ में आपको कहीं ना कहीं मिलेगी। मंगल जो कि आपके सिबलिंग्स का, भाई बहन का कारक है, अगर आप अपने भाई बहन से लड़ती हैं या घर में झगड़ा करती हैं, शांति नहीं रखती हैं और घर की किचन को गंदा रखती हैं, तो मंगल जो कि करेज का, जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हैं वो बिना मंगल के आप नहीं दे सकते। अगर आपका मंगल अच्छा होगा तभी आप बाहरी दुनिया से लड़ पाएंगे और सारे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम दे पाएंगे। आपकी प्रॉपर्टी का, आप जो भी प्रॉपर्टी इंजॉय करते हैं वो मंगल से ही करते हैं, तो उन सारी चीज़ों की कमी आपके बच्चे की लाइफ में आपको मिलेगी। देखिए बुध, अगर आप किसी बच्चे के साथ गलत व्यवहार करते हैं, अपने घर की बहन बेटी बुआ के साथ गलत व्यवहार करते हैं, और अगर किसी के साथ आप बहस करते हैं और अपने घर में पेपर फैले रहते हैं,
आपके घर में आपकी स्टेशनरी फैली रहती है, आप अपने पेड़ पौधे अच्छे से नहीं रखते हैं, तुलसा जी को नहीं सींचते हैं, तो बुध जो कि इंटेलिजेंसी का और पढ़ाई का, व्यापार का, स्पीकिंग एबिलिटी, मतलब हम जो कुछ भी बोलते हैं वो बुध ग्रह के बिना नहीं बोल सकते। तो जितने भी आप बड़े लोग देखते हैं जो बहुत बड़ी बड़ी स्पीच देते हैं, उनका बुध बहुत अच्छा होता है। तो अगर तो इन सारी चीज़ों की आपके बच्चे की लाइफ में आपको कमी मिलेगी। गुरु, देखिए अगर आप किसी दादा का, कोई धर्म गुरु का या किसी बड़े का घर में अपमान करते हैं या अपने घर में धर्म स्थान को गंदा रखते हैं, पूजा नहीं करते हैं, धार्मिक पुस्तकें फटी हुई रखते हैं और घर में जो मूर्तियां हैं वो टूटी फूटी रहती हैं, आपके घर में पड़ी रहती हैं, तो गुरु जो कि ज्ञान के, हायर एजुकेशन के, प्रॉस्पेरिटी के कारक हैं, उन क्योंकि देखिए अगर किसी चीज़ का एक्सपेंशन करना है, बढ़ाना है, तो वो गुरु के बिना नहीं हो सकता। और गुरु जो कि भाग्य का, भाग्य देखिए कर्म तो सब करते हैं लेकिन भाग्य के बिना कुछ नहीं मिलता है, तो इसीलिए गुरु बहुत इंपॉर्टेंट प्लैनेट होते हैं। तो इसीलिए अगर आप ये इन सब चीज़ों की आपके बच्चे की लाइफ में आपको कमी मिलेगी। शुक्र, देखिए अगर आप अपने स्पाउस से लड़ते हैं और अपने घर को गंदा रखते हैं, गंदे कपड़े पहनते हैं और अपना जो चारों तरफ का एटमॉस्फेयर है उसे गंदा रखते हैं, तो शुक्र जो कि आपके ब्रांड का, आपकी लग्जरी का, आपके वाहन का और जितनी भी चीज़ें आप ब्रांडेड देखते हैं उन सब का कारक है, उन सारी चीज़ों की, और पैसे का, अगर पैसा चाहिए तो शुक्र बहुत अच्छा होना चाहिए, तो उन सारी चीज़ों की कमी आपको अपने बच्चे की लाइफ में मिलेंगी। शनि, देखिए अगर आप अपने घर के किसी भी नौकर चाकर का हक मारते हैं या उन पे गुस्सा होते हैं, स्ट्रेस में रहते हैं और ओवर वर्क करते हैं, हार्ड वर्क तो करते हैं सब लोग लेकिन काम करते समय स्ट्रेस लेते हैं, तो शनि जो कि फोकस का और डिसिप्लिन और प्रोफेशन, चाहे आप व्यापार करें और चाहे आप जॉब करें, वो सब कुछ शनि गवर्न करते हैं, तो उन सारी चीज़ों की कमी आपको अपने बच्चे की लाइफ में मिलेगी। राहु, देखिए राहु आप अगर अपने ससुराल वालों से लड़ते हैं, किसी जमादार का हक मारते हैं, आप अपने घर में सीलन, आपके घर में सीलन है, आपके घर का टॉयलेट गंदा है, इलेक्ट्रिक फिटिंग्स आपके घर की ख़राब हैं, तो राहु जो कि हमें अगर अच्छा होता है तो बहुत कुछ देता है और ख़राब होता है तो बहुत नेगेटिविटी क्रिएट करता है लाइफ में, मतलब जितने भी अप्स एंड डाउन, जो भी नेगेटिविटी है वो राहु से आती है, तो इन सारी चीज़ों की कमी आपको अपने बच्चे की लाइफ में मिलेंगी। केतु, अगर आप किसी की बुराई करती हैं, जानवरों को सताती हैं, साधुओं से खराब व्यवहार करती हैं, अपने घर में गणेश जी की टूटी हुई मूर्तियां रखती हैं, तो केतु जो कि आपके पुत्र का, आपके झंडे का, अगर आपको कहीं भी बहुत ऊंचाइयां चाहिए, मतलब अपना झंडा गाड़ना है, तो आपको केतु अच्छा रखना पड़ेगा, क्योंकि राजा जब भी कोई युद्ध जीतता है तो सबसे पहले झंडा लगाता है, तो इसीलिए इन सारी चीज़ों की कमी आपको अपने बच्चे की लाइफ में मिलेंगी। नमस्कार, मेरा आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ आप नीचे कमेंट सेक्शन में लिखिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा तो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगी कि आप इन ग्रहों के लिए क्या छोटे छोटे से काम करें जिससे ये ग्रह आपके बच्चे की लाइफ में बहुत पॉजिटिव होकर आएँ और आपको शायद उसकी हॉरोस्कोप भी किसी एस्ट्रोलॉजर के पास या किसी पंडित के पास नहीं ले जानी पड़े। नमस्कार।